हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेटी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर देखा जाए जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, इसकी गारंटी मैं देता हूं कि ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर नहीं रहेंगे। बट जिस तरीके से रिटेल निवेशक, जो छोटे निवेशक होते हैं, उनको जिस तरीके से झांसा दिखाया जाता है, डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना 1000 गुना रिटर्न दिखा के उनको जिस तरीके से ट्रैप किया जाता है, लालच, बहुत कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का लालच, यही रिटेल निवेशकों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है। उसी का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाने वाले होते हैं एंड उसी का ही बहुत सारे रिटेल निवेशक शिकार भी बन चुके हैं। आप सभी लोगों को पता चल भी चुका होगा मैं किस स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। उन 3 ही स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ जिन्होंने कल बहुत ही ज़बरदस्त एक लोअर सर्किट लगा दिया एंड बहुत सारे रिटेल निवेशकों को वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि इस वीडियो को स्किप इसलिए मत करना कि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले, जो मैं हमेशा आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को वो अप्लाई करके भी बता दूंगा कि कैसे हम लोग उस पैरामीटर्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं अटक सकते। तो सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, उन्हीं पर्टिकुलर 3 स्टॉक की अगर मैं कमेंट्स को भी कंबाइन करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 400 से ऊपर कमेंट आ चुके हैं। अगर वो तीनों स्टॉक को अगर कंबाइन करूँ तो सर इसमें क्या करना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें आप लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी तो बहुत ही गलत वे होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो एक अच्छे खासे स्टॉक में यूज़ की जाती है। बट फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आप लोगों ने इसमें क्या करना चाहिए। तो चलिए अभी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर वो आ ही जाते हैं जिससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले जो स्टॉक है 7NR रिटेल लिमिटेड, आप देख सकते हो, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने बताई भी थी उस वीडियो में। BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम लोगों ने इसके इंडस्ट्री से लेके हर एक चीज़ को कवर भी किया था। इसके नाम में ही इसका बिजनेस भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे स्पष्ट की जाती है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने बैलेंस शीट भी दिखा था, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। बट मैंने आखिर में भी आप लोगों को कहा था कि ऐसे स्टॉक में अगर आप पैसा कमाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो एक लक चांस हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलते। टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो कोई टेक्निकल्स है ही नहीं, कंसिस्टेंटली स्टॉक भागते चला जाता है एंड उसके बाद रिटेल निवेशकों को मैसेजेस आ जाते हैं कि ऐसे स्टॉक में एंटर करो। एंड उसके बाद जो बड़े लोग होते हैं वो वहाँ से क्या लेते हैं, एग्जिट लेके चले जाते हैं एंड जो फंसते हैं वो रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज भी इस स्टॉक में हम लोगों को लोअर सर्किट देखने को मिला, 10% का लोअर सर्किट। एंड ये लोअर सर्किट कब तक कंटिन्यू रहेगा हम लोग नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जिस तरीके से अपर सर्किट कंटिन्यू चल रहा था उसी तरीके से लोअर सर्किट भी ये कब तक कंटिन्यू रहने वाला है कोई भी यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा सकते। आज भी देख सकते 21 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है, 193 पे यहाँ पे क्लोजिंग है। एंड जैसे कहा कि ये लोअर सर्किट और भी कंटिन्यू होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर आप इसके चार्ट पैटर्न देखोगे, 5 दिन का चार्ट पैटर्न, 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 1 साल का चार्ट पैटर्न, 5 साल का चार्ट पैटर्न या फिर ऑल टाइम के चार्ट पैटर्न भी, तो आप देख सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक ही, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता कि पेनी स्टॉक की कोई गारंटी नहीं होती। मतलब अगर हम लोग पहले देखें 2018 में ये ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक जैसे ही था, 18 रुपये का ही हम लोगों को देखने को मिलता था। 2017 हो 18 रुपये का, उसी के साथ साथ 18 में भी 18 रुपये का, 2019 की भी अगर हम लोग ऑलमोस्ट बात करें उसी रेंज में हम लोगों को देखने को मिलता था। एंड सडनली बाद में आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त रैली, एंड उसके बाद रिटेल निवेशकों की यहाँ पे नज़र नहीं पड़ती है। रिटेल निवेशकों की नज़र तब पड़ती है जब ये स्टॉक बहुत ही हाई हो चुका होता है, 200 रुपया 230 रुपया, जब बड़े लोगों को यहाँ पे एग्जिट लेने का होता है। तो यही ऐसे स्टॉक बहुत ही रिस्की होते हैं दोस्तों। एंड जो मैं एक हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ जितनी तेज़ रफ्तार से ऊपर चली जाती है ना, वो उतनी ही रफ्तार से नीचे भी चली जाती है। तो ये हमेशा ऐसे चीज़ों से आप लोगों ने बच के रहना चाहिए मार्केट में। तो स्पेसिफिकली अगर मार्केट के भी बाहर का अगर मैं कोई पॉइंट लेके डिस्कस करूँ तो बिटकॉइन भी आप लोगों को पता है जब वो आया था वो इतना भागा था, कितने सारे लोगों ने वहाँ पे निवेश किया था एंड उसके बाद सडनली नीचे, एंड अभी वो नॉर्मल है, इसमें चल रहा है। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये सारे स्टॉक ऐसे होते हैं। वापस भी फ्यूचर में 6 महीने बाद कोई ना कोई ऐसे स्टॉक ज़रूर आएंगे जिसके रिलेटेड आप लोगों को बताया जाएगा कि ये स्टॉक ऐसे होता है। फ़ोन कॉल्स के द्वारा ऐसी चीज़ें सामने आती है जहाँ पे रिटेल निवेशकों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, बहुत ही क्विक मनी कमाने के चक्कर में ऐसे चीज़ों में आप ट्रैप हो जाते हैं एंड वहाँ पे आपसे गलती हो जाती है। तो चलिए 7NR की बात कर ली, हम लोग आखिर में बताएंगे आप लोगों ने क्या करना चाहिए। उसी के साथ साथ और एक स्टॉक एग्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड, सिमिलर काइंड ऑफ वे, सेम स्टोरी, कोई अलग चीज़ नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे, सेम 20% का लोअर सर्किट,
₹24 डाउन, 98.75, ये कंसिस्टेंटली नीचे ही आने वाला है। लोअर सर्किट आप देख सकते हो, 5 दिन का चार्ट पैटर्न, 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का या फिर ऑल टाइम का, सिमिलर काइंड ऑफ वे चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, एक ही रेंज में था एंड सडनली यहाँ पे रैली आ गई। रैली आ जाने के बाद जब यहाँ पे हाई पे आ गया स्टॉक, तो बहुत सारे लोगों को फोन कॉल गए जहाँ पे बताया गया कि इस स्टॉक में एंटर करो, एंड उसके बाद अभी वो एग्जिट हो गए एंड रिटेल निवेशक वहाँ पे अटक गए। सिमिलर काइंड ऑफ वे ये हम लोग देख सकते हैं, बट ये स्टॉक हम लोगों को NSE के इसमें मिलेगा, निफ्टी में मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग जाके इसका डिटेलिंग चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ तो आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेना दोस्तों, 100% की डिलीवरीज, 100% की डिलीवरीज मतलब आप लोग खुश हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बेचने गया तो उनको कोई बायर्स मिला ही नहीं। आप देख सकते हो सेलिंग क्वांटिटी यहाँ पे 350,000 से ज़्यादा थी, एंड बायर्स देखिए कोई भी यहाँ पे बाइंग अभी करने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड यहाँ पे ये सारे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये रिटेल निवेशक है जिनको यहाँ पे ट्रैप किया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती है दोस्तों। कंपनी इन्फॉर्मेशन में भी अगर आप चेक कर लेते तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि कंपनी पहले इसमें 114 रुपीज़ इन लैक्स का प्रॉफिट था, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग कह सकते हैं 28 लाख का प्रॉफिट हुआ। सो कंपनी में भी कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं था। अगर हम लोग नीचे भी चेकआउट करते तो यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे कंपनी में अगर आप निवेश करोगे आग बंद करके, क्योंकि इसमें जाने वाले रिटेल निवेशक ही रहते हैं। अगर नॉर्मल जो निवेशक रहते हैं उनको मैंने इतना भी सिखाया कि बेसिक कैसे चेक करते, चार्ट पैटर्न देखना, तो सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं, चलो चार्ट पैटर्न तो ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग देखते, प्लेज देखते, कंपनी के रिसेंट रिजल्ट भी देखते, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे ये भी चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये कंपनी में नहीं होना चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ एन चार्ट पैटर्न्स एंड सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ इस कंपनी का बैलेंस शीट भी अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रिजर्व्स कंपनी के 17 करोड़ के रिजर्व थे, अभी 14 करोड़ के रिजर्व से। कर्जे की बात करें तो 18 करोड़ का कर्जा था, अभी वो 19 करोड़ का हो चुका है। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ कंपनी के पास 1 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, उसके बावजूद कंपनी का स्टॉक इतनी ज़बरदस्त रफ्तार में भाग रहा था, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मतलब इसने हाई जो लगाया था लगभग 150 के ऊपर इसने हाई लगाया दिया था, जबकि बैलेंस शीट अगर आप चेकआउट करोगे तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ साथ और एक स्टॉक यहाँ पे कवर कर लेते जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया। हालांकि इस स्टॉक को मैंने कवर नहीं किया था जिसका नाम है मौर्या उद्योग, बट नेचर बिल्कुल सेम है स्टॉक का। 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, बट उससे पहले यहाँ पे भी आज देख सकते हो 20% का लोअर सर्किट, 65 पॉइंट्स डाउन, 263, एंड ये स्टॉक अभी नीचे ही आने वाला है। जैसे मैंने कहा था कि अभी हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते 5 दिन का चार्ट पैटर्न, जहाँ पे आपको गिरावट दिख रही है, 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 1 साल का चार्ट पैटर्न भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, उसी के साथ साथ 5 साल का चार्ट पैटर्न एंड ऑल टाइम के चार्ट पैटर्न भी उसी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है कि स्टॉक अच्छा खासा भागा है, बाद में लोअर सर्किट, बाद में वापस भागा है, बाद में लोअर सर्किट, वापस भागा है, शायद से वापस लोअर सर्किट के पास, वापस ये स्टॉक डेफिनेटली जा भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि ये खत्म ही हो गया, वापस जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे कोई फंडामेंटल्स नहीं है अच्छे खासे, कोई टेक्निकल्स नहीं है, तो अगर इसमें अगर आप एंटर करते हो ना तो उसको गैम्बलिंग हो जाना बोलते हैं, मतलब सट्टा लगाना, अगर चल गया तो चल गया, वो लक है। तो ऐसे मार्केट में पैसा कमाने का कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों, एंड इसीलिए इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये स्टॉक से भी अगर आप निवेश कर रहे हो तो उससे आप लोगों ने दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लक का बात है। अगर यहाँ पे मिल गया तो वो मिल गया, वरना आपका सीधा पैसा नीचे लेके जाएगा। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये आने वाले समय में 500 या क्या 1000 भी जा सकता है, बट इतनी भी उसकी अपोजिट साइड भी है कि शायद से ये स्टॉक 10 रुपये का भी आ सकता है। तो यही चीज़ें दोस्तों, ये सारी चीज़ें जैसे मैं हमेशा सिखाता हूँ कि आप लोगों ने स्टॉक में रिस्क भी कितनी है वो भी कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये लोअर सर्किट लगा है वो कब की हद तक यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है उसकी कोई गारंटी नहीं। सो उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें चेकआउट करने वाले, एंड और एक स्टॉक है दोस्तों जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, मनी बॉक्स फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे भी हम लोग कह सकते, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि स्टॉक खराब हो गया, बट ये भी सिमिलर काइंड ऑफ एन वे रिस्की स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये। इसका मैंने ऑल टाइम का चार्ट ओपन किया, ये भी स्टॉक ऐसे ही भाग रहा है, तो शायद से इसमें भी क्या पता लोअर सर्किट लगना शुरू हो सकता है। तो ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आप लोगों ने डिसीजन लेने से पहले अपनी स्टडी करनी चाहिए, एंड उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। इससे रिलेटेड भी मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छी बातें लिखी थी, सर इसके हम लोगों को फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लग रहे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन लोगों को समझ में आ रहा है कि अभी स्टॉक मार्केट में किस तरीके से स्टॉक चुने जाते हैं एंड कौन से स्टॉक में आप लोगों ने निवेश करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले हम लोग इस तीनों स्टॉक को
यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं जहाँ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेके जाऊँगा, 3 महीने का ये रिटर्न है एग्रोफोर्स 7NR एंड मोरिया उद्योग। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे रिटर्न की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कभी भी ऊपर जाता है कभी भी नीचे जाता है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, एंड बहुत ही सस्पिशियस चीज़ है। मतलब अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो एक गिरावट हुई वो कल स्टॉक में एक तीनों स्टॉक में एक ही टाइम पे हुई। क्या आप लोगों ने नोटिस किया? बहुत कम लोगों ने नोटिस किया कि एक ही टाइम पे गिरावट हुई है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ सस्पिशियस चीज़ें हो सकती है। अगर मतलब किसी एक स्टॉक में गिरावट हो गई तो हम लोग समझ सकते हैं दो स्टॉक में, बट तीनों के तीनों स्टॉक एक ही टाइम पे एक ही दिन हम लोगों को ये लोअर सर्किट में आते हुए देखने को मिले। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली गड़बड़ है दोस्तों, क्योंकि एक स्टॉक अगर लोअर सर्किट आ जाता तो बाकी दो स्टॉक में जो रिटेल निवेशक है वो अवेयर हो जाते, शायद से वहाँ पे अपना हिस्सा निकाल लेते। बट तीनों स्टॉक अभी आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न एक ही टाइम पे ये नीचे आ गए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोरिया उद्योग एंड 7NR, ये इनका चार्ट पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे एग्रोफोर्स का, तो एक ही चार्ट पैटर्न में आप लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न हटा देता हूँ तो और भी आप लोगों को क्लियर दिख जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट पैटर्न हटा दिया, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि दोनों के दोनों स्टॉक कैसे जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं, मतलब तीनों के स्टॉक। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि एक ही टाइम पे ये सारी चीज़ें की गई है। तो ऐसे स्टॉक में आप ही सोच लेना कि अगर आपको इसमें रहना है तो यहाँ पे कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करने से पहले दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने नहीं रहना चाहिए। जिनके पास स्टॉक नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पे बाय मत करना। बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं सर ये स्टॉक नीचे आ रहा है, 1400% का रिटर्न दिया, क्या इसमें एंट्री करें? तो बिल्कुल नहीं, मैंने ऑलरेडी कहा है इसमें एंट्री नहीं करना है। सेकेंड, जिनके पास ऑलरेडी है उन्होंने क्या करना चाहिए? एवरेज करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। दोस्तों जितना हो सके जल्दी निकल जाओ, क्योंकि देखिए मैं वापस डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगा कि ये स्टॉक डबल भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, बट ये स्टॉक वापस 10 रुपये पे भी आ सकते हैं, इसकी भी पूरी गुंजाइश है। तो अल्टीमेटली आपका डिसीजन है कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए। एंड ऐसे फ़ोन कॉल्स मैसेजेस से हमेशा आप लोगों ने बचना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं भी आप लोगों को बहुत बार बताते आया हूँ। एंड इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे फ़ोन कॉल से फ्रॉड किया जाता है। अगर वो वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो, जहाँ पर मैंने कम्प्लीटली बताया था कि कैसे रिटेल निवेशकों को ट्रैप किया जाता है। जो लोग नॉलेजेबल है उनको समझ में आ जाता है, बट रिटेल निवेशकों को कैसे फ़ोन कॉल करके इंट्राडे से रिलेटेड बातें बता के वहाँ पे उनको ट्रैप किया जाता है। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करते वक्त मेरा तो कंक्लूजन यही रहेगा कि ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने दूर रहना चाहिए। चाहे वो आप लोगों को कितना भी रिटर्न दे तो वहाँ पे निराश नहीं होना चाहिए कि कल ये 1000 गया तो अपॉर्चुनिटी गई, तो इसको अपॉर्चुनिटी नहीं बोलते दोस्तों, उसको सिर्फ तुक्का बोलते हैं, अगर लग गया तो लग गया। तो ऐसे तुक्के से अगर आप रिटर्न कमाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि एक दो स्टॉक में आप कमा लोगे, बट इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि अगले नेक्स्ट स्टॉक जो आप चुनोगे तो ये आपके दिमाग में मिथ बैठ जाएगा कि ऐसे स्टॉक में चुनूंगा एंड मुझे अच्छा खासा रिटर्न होगा, एंड आप उससे भी 10 गुना नुकसान कर बैठोगे। तो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन यही है दोस्तों कि ऐसे स्टॉक में ना तो आपने निवेश करना चाहिए, ना किसी और को निवेश करने की सलाह देनी चाहिए। बट ओवरऑल डिसीजन आप ही का रहेगा, आपको जो लगता है सही वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सो फिलहाल वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा, आई होप आशा करता हूँ आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।